शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार जुनेद खान ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने ड्रामे की शूटिंग के दौरान सनम सईद को असल में थप्पड़ मार दिया था। अदाकार जुनेद खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की और इस दौरान करियर, निजी ज़िंदगी समेत दीगर मौजूदात पर इजहार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि सनम सईद को थप्पड़ मारने पर पछतावा है, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड थी जिसे करना ज़रूरी था और वह डायरेक्टर की हिदायत पर ही अमल कर रहे थे। अदाकार ने बताया कि ये मंजर 2012 में फिल्माया गया था जब इन्हें सनम सईद को थप्पड़ मारना था। डायरेक्टर महरीन जब्बार ने मुझे हिदायत की कि ड्रामे में हकीकत दिखानी है, इन्हें असल में ये करना होगा। जुनेद खान के मुताबिक मेरे इनकार के बावजूद महरीन और सनम सईद ने हकीकी थप्पड़ मारने पर इसरार किया। इन्होंने कहा कि मैंने हिचकिचाते हुए एक हल्का सा थप्पड़ मारा जिसका कैमरे पर कोई असर नहीं हुआ, इसे दोबारा शूट करना पड़ा। दूसरी कोशिश में सनम को ज़ोर से थप्पड़ मारा। जुनेद खान का कहना था कि बाद में सनम सईद से माफ़ी भी मांगी और उसे अपने करियर का बदतरीन सीन करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे मनाजिर से गुरेज करें।